हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? भैया हम तो बहुत बढ़िया हैं। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 5 हम शुरू कर चुके हैं, और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखो जो भी मैं आपको ऐसे बताया जा रहा है, अगर आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपके लिए सारी चीज़ें काम कर रही होंगी, वरना फिर चीज़ें काम नहीं करेंगी। फिर तुम कहो भैया आपने तो कुछ और बताया था, कुछ और हुआ हमारे साथ। ओके चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में तो बेटा आपका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता चलूंगा आपको कि क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देख लेना। ओपन और क्लोज फाइल, फाइल को कैसे ओपन करना है और कैसे उसको क्लोज करना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है यहाँ पर, दैट इज कि फाइल मैनिपुलेशन क्या होता है। देखो क्या होता है फाइल मैनिपुलेशन। अब फाइल के बारे में बेटा तुम्हें पता है कि फाइल क्या होती है, और मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ में, देखो कोई भी चीज़ है अगर एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम उसमें चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसमें अगर चेंज कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं, हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनिपुलेशन हमारे पास तीन तरह से हो सकता है, तीन तरह से हो सकता है। पहला है कि अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अगर आप किसी भी फाइल में अपना डेटा राइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फाइल में अपना डेटा सेव कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं राइटिंग द डेटा। नेक्स्ट इज अगर हमारे पास एक फाइल है जिसमें कि जो डेटा हमें राइट भी करना है, देखो मान लो कि मेरे पास इस फाइल में 10 लाइन पहले से लिखी हुई है, ठीक है, और मैं इसमें 5 लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी लाइन है पहले से लिखी हुई डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं अपेंड करना, यानी कि जो लिखा है उसमें आगे चीजों को ऐड करना। ओके, अरे क्या बात समझ में आई भैया? आ गई, चलो बहुत बढ़िया। फिर समझो, सबसे पहले हम देखेंगे इट इज ओपनिंग फाइल्स। फाइल को हम ओपन कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। हमारे पास तीन टाइप्स की जो फाइल्स हैं उनको हम सही से पढ़ेंगे, और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में आंसर का आंसर की भी, देखो आंसर में क्या होता है, डिवीजन होता है। अगर आपने फंक्शन का नाम सही लिखा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर ओपन करने का, आधा नंबर क्लोज करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो मेक श्योर इनको ध्यान से समझा जाए, ठीक है। दैट इज, और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरे हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। सो अब हम लिखते हैं, दैट इज टू ओपन अ फाइल वी यूज ओपन फंक्शन। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? हम एक फंक्शन है, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन है ये, और हम ओपन फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। किस चीज के लिए? हमें अगर अपनी फाइल को ओपन करना है तो हम अपना बिल्ट इन फंक्शन ओपन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब इसका सिंटेक्स समझ लो, क्या समझ लो सिंटेक्स? देखो जिस जिसने सिंटेक्स समझा, अगर तुमने सिंटेक्स सही से समझ लिया तो तुम्हें जीवन में कभी समस्या नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले फाइल का एक ऑब्जेक्ट नेम बनाना है। क्या बनाना है? फाइल का ऑब्जेक्ट नेम बनाना है, ठीक है। एंड इसमें हम लिखेंगे इट इज ओपन, ओपन के बाद हमारी फाइल का नेम लिख देना है। क्या लिख देना है? ओपन करेंगे हम फाइल का नेम, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है, क्या है? ये तरीका नंबर 1 है, ठीक है। और तरीका नंबर दूसरा हमारे पास है, दैट इज कि हम एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएं, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएं एंड हम इसमें ओपन फंक्शन लगाएं, और उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे यहाँ पर, एंड इसके बाद हम मोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोड। अब देखो जैसे कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि हमारे पास डेटा फाइल को मैनिपुलेट करने के तीन तरीके हैं, वैसे हमारे पास मोड होते हैं। देखो जिस मोड में हम फाइल ओपन करेंगे हम वही चीजें उस अपनी फाइल के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। अब दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अब एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि मेरे पास एक, मैंने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज माई फाइल। क्या ऑब्जेक्ट बनाया? माई फाइल। अब देखो ये फाइल ऑब्जेक्ट बनाया क्यों जा रहा है, ध्यान समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसमें अपनी फाइल ओपन कर लेंगे, और जो भी, अब देखो मान लो हमें फाइल में कुछ डेटा ऐड करना है तो हम किसमें, अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही डेटा को ऐड करेंगे, समझ गए आप? ऐसे मान लो कि ये हमारी फाइल है और हमने इस फाइल को अपना ऑब्जेक्ट में ले लिया है। क्या ले लिया है? ऑब्जेक्ट में ले लिया है। जो भी मैनिपुलेशन हमारे होंगे वो अब ऑब्जेक्ट के साथ हमारे होंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया माई फाइल और ओपन फंक्शन लगा दिया मैंने, एंड दैट इज
मैंने यहाँ बोल दिया फॉर एग्जाम्पल फाइल, मेरी फाइल का नाम है फाइल वन डॉट टी एक्स टी, क्या है फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया देखो, अब जैसी बात है आपको मैं समझा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में अगर उस सीक्वेंस में समझ लोगे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नोट लगा लो, दैट इज बाई डिफॉल्ट जो हमारा मोड होता है, बाई डिफॉल्ट फाइल एसेस मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसे फाइल एसेस मोड इज रीड मोड। क्या होता है इज रीड मोड, ठीक है ओके। अच्छा भैया अगर हम इसका मोड चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर ये वन हो गया, एग्जाम्पल नंबर टू समझो, दैट इज अगर हमने लिखा यहाँ माई फाइल टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है फाइल टू, ओपन किया हमने इसको और फाइल का नेम ले लेता हूँ फाइल टू डॉट टी एक्स टी कॉमा, मैंने अगर डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिया, किसमें डब्ल्यू मोड में, ठीक है। अभी तो मैं नहीं समझ में आ रहा होगा बट मैं आपको भी समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या है, फाइल नेम की जगह, देखो फाइल नेम की जगह आप यहाँ पर फाइल का पाथ लिखोगे, क्या लिखोगे फाइल का पाथ, यानी कि फाइल का पाथ का मतलब होता है, पहले फाइल पाथ का मतलब बता देता हूँ। देखो फाइल पाथ का मतलब ये है कि एड्रेस ऑफ द फाइल, ठीक है, एड्रेस ऑफ फाइल, फाइल आपकी कहाँ स्टोर है। जैसे कि मेरी फाइल अगर स्टोर है, दैट इज ई ड्राइव, ई के अंदर एक मेरा फोल्डर है, मेन नाम का फोल्डर है और उसमें मेरी फाइल है, दैट इज फाइल टू डॉट टी एक्स टी मैंने स्टोर कराई है और मोड में मैंने ओपन किया है डब्ल्यू मोड में। अब रुको, अब तुम सोचोगे भैया ये कभी आप कह देते हो रीड मोड डिफॉल्ट मोड है, कभी आप डब्ल्यू मोड में आ रहे हो। सो सुनो, ये डब्ल्यू का मतलब होता है डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट मोड, ठीक है। और अभी मैं आपको इसी में आगे बताऊंगा कितने मोड होते हैं और किस मोड में क्या क्या चीजें किस प्रकार होती हैं, ठीक है। दैट इज अब देखो, अब हमारे पास इसमें भी दो तरीके हैं ओपन करने के। दैट इज जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है इसमें, देखो इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो एक चीज आपको लिखवा दे रहा हूँ। दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फाइल हैंडल। देखो यार जो बच्चा मेरे नोट्स अच्छे से देख लेगा, यानी जैसे लिखवाए जा रहे हैं यहाँ पर, अगर वैसे भी तुम अच्छे से लिख लोगे तो बहुत अच्छे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके बस जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते रहें। फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फाइल हैंडल हम इसको बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझ जाओ, देखो एक तरीका है पाथ लिखने का इस तरीके से, ठीक है। एक और तरीके से हम पाथ लिख सकते हैं, दैट इज अगर मैं यहाँ बोलूँ माई फाइल ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू ओपन फंक्शन मैंने लगा दिया एंड, अब हमें क्या करना है, हमें पाथ लिखने से पहले एक बार आर लगाना है। क्या लगाना है, पाथ लिखने से पहले एक बार आर लिखेंगे और फिर हम अपना पाथ लगाएंगे, तो हमें डबल स्लैश लगाने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। क्या बात क्लियर है। देखो अगर मैंने यहाँ आर लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, अगर आर लगा दिया यहाँ पर तो हमें डबल स्लैश नहीं लगाना, हमें लगाना है सिंगल स्लैश आर के साथ में, ठीक है। अब भैया ये आर ही क्यों लगाया, ए लगाते, बी लगाते, पी लगाते, ऐसा नहीं, देखो हर चीज का रीजन है। देखो सो हियर नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, आर का मतलब होता है, दैट इज आर जो है इस स्ट्रिंग को आर आर के बाद लिखो इट मेक्स इट एज आ रॉ स्ट्रिंग, क्या बना देता है इसको, रॉ स्ट्रिंग बना देता है। दैट मीन्स देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू इट। अब तुम कहोगे भैया ये तीन लाइनें जो लिखवाई हैं इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। देखो अगर हम पाइथन के अंदर अभी अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं और उसमें अगर हमने डबल क्वोट्स लगा रखे हैं, तो पाइथन सिंपली क्या करता है, पाइथन भैया देखो मैंने मान लो प्रिंट के अंदर यहाँ कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फाइल हैंडल, ठीक है, क्या लिखा मैंने फाइल हैंडल, कंफ्यूज हो जाओगे आप सुन, मैंने मान लो कुछ भी लिख दिया, अपना नाम लिखा, ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन देखेगा भैया यहाँ डबल क्वोट्स लगे हुए हैं, क्या लगे हैं डबल क्वोट, यहाँ से डबल क्वोट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से एंड हो रहे हैं, तो पाइथन को जैसे डबल क्वोट मिलते हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग देखता है और बीच का जो लिखा है वो पढ़ता ही नहीं है। क्या पढ़ता है, बीच का वो पढ़ता ही नहीं है, बट लेकिन हमको तो यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करवाना था, क्या कराना, एग्जीक्यूट कराना है, इसीलिए हमने आर लिखा और बोला कि
कि भैया आगे जो स्ट्रिंग लिखी है वो रॉ स्ट्रिंग है, यानी कि इसमें कोई भी इसका स्पेशल मतलब नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है इसका कोई स्पेशल मतलब? नहीं है। ओके ठीक है, और वो भी एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए बोला, अटैच टू टू इट की जगह अटैच टू एनी करेक्टर लिखो आप। ओके, अब सो हमारे पास देयर आर टू वेज, कितने तरीके हैं हमारे पास? देयर आर टू वेज टू गिव पाथ इन फाइल नेम। फाइल नेम देने के हमारे पास दो तरीके आ गए हैं। पहला तरीका है दैट इज हम अगर डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अगर हम डबल स्लैशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक फाइल का हैंडल दैट इज माई फाइल इज इक्वल्स टू ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन डबल क्वोट्स के अंदर मेन डॉ डॉ और मेन के बाद फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी मोड नहीं लगाएंगे तो हमारा डिफॉल्ट मोड जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमारा है गिविन रॉ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा? गिविन रॉ स्ट्रिंग अगर हम दे देंगे, यानी कि अगर हम आर लगा देंगे, दैट विल बी माई फाइल ऑफ टू इज इक्वल्स टू, अगर मैंने ओपन फंक्शन लगाया, मैंने आर लिखा, तो मुझे सिंपल एक ही लगाना है, दैट इज मेन ऑफ फाइल वन डॉट टी एक्स टी। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई आपको? आई नहीं आई? हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया आप जो है ना वो फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल बार बार कर रहे हो, उसको लिखवा दो। चलो लिखो भैया, फाइल ऑब्जेक्ट एंड फाइल हैंडल लिखो, इसके बारे में कुछ दो तीन लाइनें लिख लो। दैट इज दीज आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा टू अ फाइल, फाइल ऑन डिस्क। देखो अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर फाइल से डेटा को रीड करना है, फैच करना है, या फिर उसमें कोई डेटा राइट करना है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फाइल हैंडल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अपनी फाइल में हम परमानेंट चेंजेस ला पाए। ओके ओके, अब भैया अभी आप जो कह रहे थे कि हम फाइल जो हमको ना एसेस मोड आप पढ़ाओगे, चलो आज हम देखते हैं दैट इज फाइल एसेस मोड, दैट इज फाइल एसेस मोड। अब फाइल एसेस मोड क्या है? देखो देन इसके बारे में भी लिख लो, दैट इज इट गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या देखता है? इट गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल इन द ओपन फाइल, यानी कि भैया यही तुम्हें अलाउ करेगा। ठीक है, अगर आपने फाइल को रीड मोड में ओपन करा है तो आप उसमें राइटिंग नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। तो जिस मोड में आपकी फाइल ओपन होगी, आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उसी मोड में, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ उसी मोड के लिए है। ओके अब देखो मैं तीन पार्ट में लिखूंगा, जस्ट सेकेंड। यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट फाइल का मोड और उसके बाद हम लिखेंगे बाइनरी फाइल के लिए, और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास दैट इज आर मोड। बाइनरी में जो है वो आर बी मोड हो जाता है। आर मोड होता है आपका दैट इज रीड ओनली मोड। क्या है? रीड ओनली मोड। अब एक एक मोड के बारे में कुछ बातें लिखवाऊंगा, वो ध्यान से समझ जाना। सबसे पहला है कि इट इज अ डिफॉल्ट मोड। क्या है भैया? रीड ओनली मोड जो है वो तुम्हारा है डिफॉल्ट मोड। इट इज अ डिफॉल्ट मोड एंड फाइल मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि अगर आपको फाइल इस मोड में ओपन करनी है तो आपकी फाइल जो है वो पहले से ही क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी फाइल नहीं क्रिएट होगी देन अदरवाइज पाइथन विल गिव यू आईओ एरर। पाइथन विल गिव यू
आईओ एरर दे देगा। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट एरर, बिकॉज द फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कैसा आप कैसे उसको रीड कर सकते हैं। दूसरा मोड है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू मोड एंड बाइनरी, सॉरी बाइनरी फाइल के लिए डब्ल्यू बी हो जाएगा ये तुम्हारा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट ओनली मोड। कौन सा मोड है बेटा? राइट ओनली मोड। अब इसके बारे में दो लाइनें लिख लो, दैट इज इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है देन फाइल इज क्रिएटेड, तो आपकी जो फाइल है वो क्रिएट कर दी जाएगी, ओके जो भी आप फाइल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ अगर दूसरा केस क्या भैया, एक में फाइल एग्जिस्ट नहीं की, दूसरा क्या है? इफ द फाइल एग्जिस्ट, इफ द फाइल एग्जिस्ट देन, ये चीज ध्यान से समझ रहे हैं थोड़ी सी, देन पाइथन विल ट्रंकेट, पाइथन विल ट्रंकेट ओवर प्रीवियस डेटा, ओवर प्रीवियस डेटा। अब देखो भैया इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो। मान लो भैया हमारे पास एक फाइल है, एक फाइल 1.txt नाम की एक फाइल है, ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक और फाइल बना दी फाइल 1.txt नाम से, और उसको हमने राइट मोड में फाइल को ओपन कर लिया। तो होगा क्या इस वाले केस में, जो भी डेटा इस फाइल के अंदर होगा वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा का सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, और जो हमने अभी अभी डब्ल्यू मोड में अपनी फाइल को ओपन करा हुआ है, अब यहाँ से हम जो भी डेटा राइट करेंगे अपनी फाइल में वो डेटा हमारा सेव हो जाएगा। यानी कि अगर एक फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और हमने उसको राइटिंग मोड में ओपन कर दिया, तो क्या होगा, जो डेटा है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ जाओ। चल अब अगला मोड है हमारे पास, दैट इज नंबर 3, और ये हमारे पास अपेंड मोड है। रेगुलर के टेक्स्ट फाइल के लिए ए, और अपेंड के लिए बाइनरी के लिए ए बी। बाइनरी में देखो हमेशा बी जरूर आएगा, ठीक है। और ये है तुम्हारा अपेंड मोड। कौन सा मोड है? अपेंड मोड। इसके बारे में दो लाइनें लिखो। अपेंड मोड है कि फाइल जो है वो आपकी फाइल इज इन राइट मोड ओनली, यानी कि आप अपेंड में डेटा को फेच नहीं कर सकते हैं। डेटा का फेच मतलब देखो, डेटा का फेच करना मतलब क्या होता है कि उस फाइल से इंफॉर्मेशन कुछ तुम्हें चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस तुम फाइल में इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे सकते हो, ओके। अब इसमें भी वही केस ले लेते हैं। देखो इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट न्यू फाइल। सिंपल है इसका भी, क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर भैया आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपकी एक नई फाइल बना दी जाएगी। बट अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, देखो इफ फाइल एग्जिस्ट देन द डेटा ऑफ देन द डेटा ऑफ प्रीवियस फाइल विल बी रिटेन्ड। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पुरानी फाइल है उसका डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा, विल बी रिटेन्ड एंड न्यू डेटा विल बी एडेड, न्यू डेटा विल बी एडेड टू द लास्ट। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मान लो भैया हमारे पास एक फाइल है, एक फाइल है मेरे पास, इस फाइल का नाम है फाइल 4.txt। इसको हमने अपेंड मोड में ओपन कर लिया। मान लो इसमें 4 लाइनें पहले से लिखी हुई थी, ठीक है। हमने अपेंड मोड में ओपन करा और हमने इसमें 2 लाइनें मुझे इसमें और ऐड करनी, क्या करनी, 2 लाइनें मुझे प्लस करनी, तो क्या होगा? जो तुम्हारी पहले से लाइनें लिखी हुई हैं बेटा वो डिलीट नहीं होंगी, और इसमें तुम्हारी 2 लाइनें और ऐड हो जाएंगी। अब कहाँ ऐड होंगी? हमेशा लास्ट में ऐड होंगी, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ भैया आ गई, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज वी हैव नंबर 4 मोड, दैट इज आर प्लस मोड। एंड हमारा इसमें होगा आर प्लस बी मोड और आर बी प्लस मोड, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं रीड एंड राइट मोड, रीड एंड राइट मोड।
यानी कि इस मोड के अंदर हम दोनों काम कर सकते हैं। दैट इज, अब देखो जहां पर रीडिंग का जो काम है जहां पर आ जाए वहां पर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि रीडिंग का मतलब क्या है भैया, हमारे पास एक फाइल है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, हमको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है। अगर भैया हमारी जो फाइल है अगर ये फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इंफॉर्मेशन हम यूज कहाँ से करेंगे। इसी वजह से जो है यहाँ पर आपका एरर आता है। क्या आता है यहाँ पर आपका एरर आ जाता है। सो ये पॉइंट लिख लो, दैट इज ए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट एरर, ओके। एंड अब इसमें देखो जैसे कि दोनों मोड है रीड एंड राइट, सो बोथ द ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस, बोथ द ऑपरेशंस रीडिंग एंड राइटिंग कैन टेक प्लेस। ओके, क्या बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। आया नहीं आया, चलो भैया आ गया। अगला मोड है हमारे पास, दैट इज W+ और W+B और WB+ मोड। अब ये क्या है तुम्हारा, ये है राइट एंड रीड मोड, ठीक है। क्या है राइट एंड रीड मोड, दैट इज इसमें देखो क्या कर सकते हैं। इस वाले मोड में भी फाइल इज क्रिएटेड इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर तुम्हारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपकी फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है देन द डेटा विल बी रिटेन्ड, द डेटा विल बी रिटेन्ड, यानी कि पुरानी फाइल का डेटा है वो आपका बचा लिया जाएगा एंड न्यू डेटा विल बी अपेंडेड, एंड न्यू डेटा विल बी अपेंडेड। अपेंडेड का मतलब है कि आपके लास्ट में हुआ डेटा ऐड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेटा ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इसमें भी जो है आपके बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस, इसमें आपके दोनों ऑपरेशंस हो सकते हैं। आप इसमें रीडिंग भी करवा सकते हैं और आप इसमें जो है राइटिंग भी करवा सकते हैं। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर आपको किसी फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप किसी फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज टू क्रिएट अ फाइल ओपन द फाइल इन इन मोड दैट सपोर्ट राइट मोड। आपको फाइल हमेशा उस मोड में ओपन करनी है, कोई भी ऐसा मोड चुनिए जिसमें कि आपका राइटिंग सपोर्ट करता है। बिकॉज राइटिंग में आपने देखा जितने हमारे राइट मोड थे अगर उसमें फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल वो क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आप डब्ल्यू मोड को चूज कर सकते हैं, या फिर अपेंड मोड ले सकते हैं, या फिर हम W+ ले सकते हैं और अपेंड प्लस ले मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे कितने हैं, चार मोड हैं। ओके नाउ देखो ये बातें भैया हो गई हमारी फाइल को ओपन करने की, ठीक है। नाउ वी विल लर्न कि हम फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, क्या सीखेंगे हम, दैट इज क्लोजिंग अ फाइल। फाइल को क्लोज करने का सबसे इजी तरीका है, फाइल को क्लोज करने के लिए हम अपना बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज हम क्लोज फंक्शन की सहायता लेंगे। किस फंक्शन की, हम बिल्ट इन फंक्शन क्लोज की सहायता लेंगे और इसका जो सिंटैक्स हो जाता है दैट इज अब हमने जो फाइल हैंडल बनाया था उसका प्रयोग किया जाएगा। सो वी विल हैव अवर फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन लगाना है, फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन लगाना है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैंने काफी सारे फाइल हैंडल बनाए थे अभी, जैसे मेरा हो गया माई फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। दूसरा हो गया दैट इज माई फाइल टू डॉट क्लोज, क्या बात समझ में आई। अगर आपको ये पूरा समझ में आया है, देखो जो बच्चा पूरा देखेगा उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रोग्रामिंग आप रट नहीं सकते हो, लॉजिक है,
अगर आप धीमे धीमे समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर क्वेश्चंस के अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। द ओनली थिंग इज केयर तुम डेडिकेशन देने के लिए तैयार हो, डेडिकेटेड हो या नहीं हो, इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक रील्स ही नहीं अब कुछ लेक्चर्स भी भेजें। मिलेंगे आप सभी अगले लेक्चर के साथ में।